इसी के साथ नीतू रोने लगी। नीतू ऐसे रोने से क्या हो गया पता? ओए लखनी, गुड मॉर्निंग, सभी को आशीर्वाद, जय माता दी, सभी को आशीर्वाद। ओए दोनों रंगा बिल्ला, ऑल सेट। बम्बू सिंह किधर की तैयारी? क्या जब भी ये खुश हो हंसे, बताए ना कहाँ जा रही हो, समझ जाओ कहाँ जा रही है, मॉल जा रही है। लखन तुम आए इसीलिए थे? किसकी मसाज करोगे, इसको सुलाओगे? और आज मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। नॉर्मल है वैसे तो, मगर अभी कोविड का कुछ पता नहीं है, तो मम्मी को मैं दूर से मिलूंगी, काफी दूर से, और मम्मी को क्वारंटीन भी किया हुआ है। तो लखनऊ मैं जा रही हूँ मॉम से मिलने के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पर आएंगे, क्योंकि सोनी दी की तबियत खराब है। सोनी दी को भी शायद आज, सोनी दी का भी चेकअप है ना लखन, कोविड का रिपोर्ट आ रही है। दोनों की तबीयत खराब है, तो गेट वेल सून, जल्दी से हो जाएंगे दोनों ठीक। सुबह तो ये ड्रामे कर रहा था, अब कितनी जल्दी भूख लगी इसको। वैसे उसको पनीर डाल देना, पनीर की। अच्छा ये भी नाटक है इसके, उठने के बाद सबको ही भूख लगती है। महाराज जी बहुत देर में सो के उठे हैं आज। तो हम घर से निकल रहे हैं अपनी माता जी को देखने, और उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं, मुझे लगता नहीं कि मिलने देंगे हमको, क्योंकि कोविड के जिसमें भी सिम्टम होते हैं ना, उनको आसपास जाने नहीं देते। मतलब मुंबई में बहुत गनीमत थी, और यहाँ के ऐसे लग रहा है जैसे ना बॉडी में से मैं पानी पीता हूँ और आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है पूरा पानी। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी है यहाँ पर। ये हमारा एसी का क्या बोलते हैं, इसको फ़ैन बोलते हैं, पता नहीं क्या। ये भी बेचारा बाहर है, एक रूम का तो एसी नहीं चल रहा, और सोचो ऊपर से इतनी गर्मी। ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे पॉटी कर रही है। अच्छा इसको पकड़ना, अंदर छोड़ दे, अंदर छोड़ दे। नहीं बाय, इतना सारा सामान अंदर से लावा हो रखी गाड़ी यार, बिल्कुल। ओ शिट, गाड़ी में बैठ के भाई इतनी गर्मी। ऑन हो एसी जल्दी से, एसी भी गर्म हो। कितनी हस्ती हुई इसको नहीं पता, गाड़ी में बैठ के इसके रिएक्शन देखना। आ जा नीतू, आ जा आ जा। हाँ ले ली, मजा आ रहा है गाड़ी में? ओह गॉड, क्या हुआ? ले इसको यहाँ रख दे, पानी मुझे लग रहा है आधे रास्ते खत्म हो जाएगा पूरा यार। नीतू कितनी, अच्छा सॉरी मैंने एसी पे अपनी तरफ कर रखे थे। नीतू वेंटिलेशन ऑन कर ले सीट का, मैंने नहीं किया। चले चले मम्मी से मिलने। अच्छा गाइस अभी अभी ना मेरे पास एक फोन आया, और आप लोगों से बहुत टाइम से मैं इस बारे में बात करना चाहता था। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि ट्रेडिंग या बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, तो यार मेरा रीज़न है कि मैंने कभी ट्रेडिंग या बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करे। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये ना फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो कि आपको बोलें कि आप क्रिप्टो में पैसे लगाओ, आप किसी और चीज़ में पैसे लगाओ, आपको एक महीने में डबल प्रॉफिट हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के तरीके होते हैं, और यही होता है बैटिंग ऐप में। मतलब आज बीइंग अ क्रिकेटर मेरे पास इतने सारे बैटिंग ऐप के प्रमोशन आते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई प्रमोट नहीं करा। उसका सिंपल लॉजिक ये है, अगर आज मैं बैटिंग प्रमोट करता हूँ ना, तो अगर 2 लाख लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, उसमें से किसी दो ने भी बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया मेरे व्लॉग की वजह से, मेरे बोलने की वजह से, तो ये जो सट्टे वाली आदत है ना, मैंने घर बर्बाद होते हुए देखे। और कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, मेरी खुद की आस पड़ोस वाली फैमिली से ही बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी आप गलत चीज़ लेकर जाओ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो। कुछ अच्छा बेशक ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ गलत नहीं करूँगा। तो सिर्फ ये रीज़न है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं करता। और अगर आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते हो, तो प्लीज़ यार झांसे में नहीं आना। आप किसी को देखो, सबको ऐड करने के पैसे मिलते हैं, तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, अलग अलग नीड्स होती हैं सबकी। लेकिन यार आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लेना। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे प्रमोट करेंगे, मेरे को ऐसा नहीं यार पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, मुझे भी चाहिए पैसे, लेकिन इस तरीके से नहीं। मतलब मुझे पता है पैसे यार कलवल को फिर कमा लूँगा, लेकिन लोग नहीं कमाए जाते। ये जो आप हमारी फैमिली हो ना, अगर आज मैं आपका कुछ गलत कर दूंगा, तो मैं कल को ना तो खुद को फेस कर पाऊंगा, और आप लोग अगर कभी मुझे मार्केट में मिल गए ना, तो आज आप बड़े प्यार से मिलते हो, आज आप हाय हेलो करते हो, बहुत अच्छी तरह सेल्फीज लेते हो, इतना प्यार देते हो। कल किसी भी एक बंदे ने बोल दिया ना कि लखन भाई आपकी वजह से मैंने इस बैटिंग में पड़ गया और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा खुद को। तो गाइज प्लीज़, ये सारे जो आजकल चल रहे हैं, आप थोड़े से अवेयर रहो, कभी भी नुकसान नहीं कराना अपना, कभी भी इन चीज़ों की तरफ भागना नहीं, पैसा मेहनत से ही कमेगा एट द एंड ऑफ द डे। गाइज एक पंगा हो गया, लखन का पास नहीं बन सकता, मम्मी का भी फोन आया कि लखन का पास नहीं बन सकता कि कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अंदर जाना मना हो चुका है राष्ट्रपति भवन के अंदर जाना। तो लखन मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पर बिताए हैं, जब मैं अकेला था, कुछ करने को नहीं होता था, और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना लाइफ में, तो मैं इस जगह के बैठता था।
और खुद से बातें करता है, तो बहुत कुछ सिखाया इस जगह ने। और हमने यहाँ पर हमने काफी वीडियोस भी बनाई है लक्सू, और आपने मुझसे इतना पूछ लिया कि अपने मेकअप के बारे में कुछ बताओ कि मैं दो पिंपल हो गए। तुम्हें पानी की, तुम्हें प्यास भी लग गई? अच्छा लक्सू तुम मिलते फिर जल्दी, तुम्हें अलोन टाइम चाहिए ना कुछ? हाँ यार, काफी टाइम से लखन मुझे ये बोलते हैं कि मुझे अलोन टाइम चाहिए, मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, नॉट अलोन, मी टाइम चाहिए मुझे मेरा। तो लखन थिंक टाइम होता है वो, थिंक टाइम है तुम्हारा, अच्छा अच्छी अच्छी थिंकिंग करना। ओके मिलते हैं एक घंटे बाद, सी यू बैक टू माई हैप्पी प्लेस। मैं इस वाले एंट्रेंस से जाता हूँ लोधी पार्क के, इधर क्या पार्किंग मिल जाती है। ये है दिल्ली का लोधी गार्डन, आप में से बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोग नहीं आए होंगे, जैसे मैं पहले नहीं आया था, मैं सडनली टाइम पास करने के लिए इधर आ गया था। और उसके बाद इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मिलते थे, बहुत सारे लोग मुझे कभी मेडिटेशन करते हुए मिलते थे, कभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए मिलते थे, तो इस जगह से ना बड़ा लगाव हो गया। यहाँ मैं आके बैठता था, बहुत बहुत मैंने शायरियाँ लिखी हैं पता है यहाँ पर बैठ कर, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरी इस जगह से। सी कितना पुराना है ये, और ये जो गुंबद है, ऐसे यहाँ पर तीन गुंबद है एक के बाद एक, और आज भी यहाँ बैठ के देखता हूँ तो वो इतिहास याद आ जाता है पूरा, कैसे कैसे बने होंगे सारी चीज़ें, कितने प्यार से बनाया होगा, आज तक इतनी पुराने पुराने इमारतें ऐसी खड़ी है। और यहाँ पर पूरे तरफ ऐसी बेंचेस आपको मिल जाएंगी, जो लोग आते हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करने उनके बैठने के लिए, लोग आपको ऐसे एक्सरसाइज करते हुए दिख जाएंगे। इस जगह की खासियत है कि यहाँ पिकनिक पर आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। वाह क्या नज़ारा है, पीछे बिल्कुल सन गुंबद के, कितना सुंदर लग रहा है सब। अच्छा पता है यहाँ पर ना बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने डांस वांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो डांस मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, मैंने बहुत बार ट्राई करा सीखने का लेकिन हो नहीं पाया, मेरी सूरत जैसी बॉडी नहीं है ना। फ्रेंड्स लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इतना सन्नाटा देख रहा हूँ कि मैं बिना माइक के बोल रहा हूँ, और आप तक आवाज़ भी पूरी पहुँच रही होगी। मतलब मुझे लगता है कोविड की वजह से शायद यहाँ पर इतना चेंज हुआ है, क्योंकि आज से पहले मैं जब भी यहाँ होता था यहाँ लगभग मेला लगा होता था, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी कहीं भी। और आज देखो ये यहाँ का एक मेन गुंबद है जो कभी खाली नहीं मिलता, हमेशा यहाँ फोटोग्राफ्स चलते रहते हैं, फोटोग्राफ्स खींचते रहते हैं और फोटोशूट होते रहते हैं, आज मुझे ये भी खाली दिख रहा है बिल्कुल। ये है यहाँ का दूसरा गुंबद, और मुझे पता सबसे अच्छी चीज़ यहाँ क्या लगती है, ये कि जब बुलबुसा और टाइल देख रहे हो ना, ये पता नहीं कितने सालों पुराना है। और सबसे अच्छी बात पता है इस जगह की क्या है, कि ये जगह फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर जो मॉन्यूमेंटल पार्क्स हैं उसमें मोस्टली हमको टिकट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप फ्री में घूम सकते हो। कितना सारा एरिया यहाँ पर अकेले टाइम बिताने के लिए भी। हेलो, और यहाँ पे स्नेल्स बहुत मिलते हैं मुझे, लेकिन स्नेल्स का मौसम होता है, बरसात में ज़्यादा मिलते हैं, इस टाइम शायद नहीं मिले। ये यहाँ का एक बड़ा सुंदर सा लेक, यहाँ पर हंस भी हैं, अगर आज दिखाई दिए तो किस्मत, वाह नाम लेते ही आ गए। यार ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग देख के ना मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि पत्थर तो समझ आता है पहाड़ों से टूटे हुए, लेकिन ये सीमेंट क्या होता होगा उस टाइम पर, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सीमेंट का इन्वेंशन अभी कुछ 100-200 साल पहले हुआ होगा, उससे पहले किस तरीके से चिपकाए जाते थे कि आज तक ऐसे ही है। वाओ लुक एट दिस। ओके तो मेरी मम्मी अब बहुत बेटर फील कर रही हैं, अब उनका नेगेटिव आ चुका है। मम्मी आप खुश हो? देखो तो मैं मम्मी आज हमें जाना पड़ रहा है चंडीगढ़ शाम को ही, इसलिए मैं मम्मी के पास नहीं थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाई, थोड़ा सा कर पाई हूँ, क्योंकि मम्मी कल वैसे भी आ रही है मेरे पास, है ना, क्योंकि मम्मी कल वापस आ रही हैं। आई लव यू। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाया, नीतू का फोन आ चुका है, वो मुझे लेने आ रही है बस, और अभी जो हमने देखा ना सिर्फ 20% था, बाकी आप लोग अगर कभी मौका लगता है तो दिल्ली में लोधी पार्क जरूर आना घूमने। नीतू उधर से ही आएगी तो मैं ऑलरेडी रोड क्रॉस करके आ चुका हूँ इधर ही। वैसे यार इतनी सारी जगह एक्सप्लोर करी लेकिन एक दिल्ली एक्सप्लोर नहीं करा, तो अभी मैंने टारगेट लिया है कि अब मैं दिल्ली एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा पहले आपको दिल्ली की इतनी सारी लोकेशन है, जो कि हम दिल्ली वाले होके नहीं घूम पाते, तो यार मैं समझ पाऊंगा कि बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से हैं हमारे चैनल पे, आप लोगों को मैं दिल्ली घुमाऊंगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। थैंक गॉड आपने रिकॉर्ड टूटने से बचा दिया, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं वेट करूँ नीतू टाइम पे आ जाए और ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। 10 मिनट तो हो गए मेरे को खड़े खड़े इधर, सब गाड़ी आ रही है सिवाय नीतू के। वाह क्या दिखा एकदम मोर, आ गए आ गए आ गए। अभी हम आ गए टाटा मोटर्स पर, क्योंकि जो मेरी कार है उसकी नंबर प्लेट आ चुकी है, अब ये टेम्पररी नंबर बाय बाय, अब इसका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। हमने सोचा था कि हम कुछ खा पी कर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे जाना है यार, पैकिंग करनी है, पैकिंग करनी है और बहुत सारा काम है। एकदम से ना एकदम से जो काम आता है ना अच्छा भी लगता है और फिर स्ट्रेस भी दे देता है वो काम, है ना। आज तूने लॉजिक वाली बात कही नहीं, तू लॉजिक वाली बात कही। सो लखन कार तुम्हारी बिल्कुल रेडी है, तुम्हारा फेवरेट नंबर तुमको मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, तुम्हारी इस नंबर के लिए तुम्हारी करी मैंने, तुम्हारी फेवरेट तुम्हें लाइफ पार्टनर मिल गई है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तेरे लिए भी जद्दोजहद की थी मैंने, बहुत। क्या करी थी? जद्दोजहद वो क्या होता है? मतलब बहुत
पापड़ बेले थे। सच में? हाँ। क्या 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 तू मानी कहा थी आसानी से? मगर जद्दोजहद, ये जो वर्ड बोला ये कौन सा वर्ड है, पंजाबी या उर्दू? उर्दू। क्या बोला? जद्दोजहद। मैंने पहली बार सुना है। एनीवेज तुम्हें इतनी मेहनत, जद्दोमहद जो भी की थी, इतनी मेहनत जो तुमने की थी, उसका फल मिला तुम्हें या नहीं? फल मिल गया, लेकिन फल मीठा नहीं निकला। जबान कड़वी है मगर मैं बहुत अच्छी लगती। तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत संस्कारी लड़की हूँ? संस्कारी तो है, देखिए ये बात तो है। तुम्हारा सारा कहना मानती हूँ। हाँ, नहीं कहना तो कुछ नहीं मानती, लेकिन मैं टेंशन फ्री रहता हूँ तेरी वजह से। कैसे? जैसे मेरे पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट तू देखती है। हाँ। और सपोर्ट करती है। हाँ। और तारीफ करो, मुझे कुछ सुनना है। और YouTube का एक चैनल पूरा तू देख रही है। और गाइस बिलीव करना कि ये जो चैनल देख रही है 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं वहाँ पे। सिर्फ ये ऐसी देख रही है उसको रेंडमली। ओ हेलो, मेहनत है वो भी रेंडमली। क्या होता है भाई, सारा फोकस लगाना पड़ता है, सारी वीडियोस एडिट करनी पड़ती है। लखन को सिर्फ एक ब्लॉग एडिट करना होता है और कुछ नहीं। और मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो उन सब में मुझे वीडियो पोस्ट करनी होती है। लखन को, लखन के लिए सिर्फ एक है व्लॉगिंग। और सच बताऊं तो लखन, लखन वैसे एक बात बताओ, हमारे 900K तो आज हो गए। तुम्हें ये लगता है इस मंथ हमारे 1 मिलियन? आपने हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर कर दिए। अच्छा, आपको लगता है इस मंथ हमारे 1 मिलियन हो जाएंगे? अगर लगता है तो लगना कि इनको बोल शेयर करो, दबा के शेयर करो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी जितना भी हो सकता है। और पता है ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमारे 1 मिलियन जल्दी हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले से, डे वन से, कि जब हमारे 1 मिलियन होंगे सब्सक्राइबर्स तो हम एक गिव अवे करेंगे। और वो गिव अवे किस चीज का करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वो हम आपको बताएंगे जब हमारे 950 हो जाएंगे, है ना? 950 हम बताएंगे, 50 हो जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम किस चीज का गिव अवे करना है। 2-3 तो हम करेंगे ये पक्का है। और बहुत मजा आने वाला है यार, अभी हमारी जो जर्नी है अच्छे से स्टार्ट हुई है। तो ये तो गाइस मैं आपके साथ अभी एक चीज शेयर करूंगी जो कि मुझे करनी चाहिए। सीके एक बहुत ही जाना माना, जाना पहचाना बहुत अच्छा ब्रांड है, और इसका ही मैंने बैग लिया था अभी कुछ टाइम पहले, और ये फर्स्ट टाइम बाहर लेकर आई हूँ। जब हम लोग मुंबई जाने से पहले मैंने ये बैग लिया था, और इसकी हालत देखो, आज के दिन ये टूट गया। इसका ये एक जो लॉक है वो निकल गया, ये वाला। सीके कब से ऐसी चीजें बनाने लग गया, मतलब सीके यार बड़ा अच्छा ब्रांड है। ठीक है यार, पता नहीं पैसे किस चीज के लेते हैं ये लोग। हाँ, इतना महंगा पर्स जब कुछ देने नहीं तो एक काम करो ना, अपने स्टोर में बुलाओ, कस्टमर के पैसे छीन लो जेब में से, क्योंकि इससे तो अच्छा है कुछ दो ही मत। मैं अभी उनके पास, अभी हम जाना नहीं था हमें वैसे मॉल में, मगर हम जा रहे हैं, ये मैं एक्सचेंज करवाऊंगी या बोलूंगी इसको ठीक करके दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम लेकर गई हूँ और पहली बारी में ये हाल हो गया, तो बड़ा बुरा लगा मुझे ये देख के, है ना लक्सू। अब इसको बाहर नहीं लेकर जा पा रही हूँ, कार में रखा हुआ है बैग। तो अब एक्सचेंज हो रहा है वाला बैग, और ये पसंद आ रहा है? नहीं। देख लीजिए इसमें कुछ हुक्स ना हो। मुझे डर लग रहा है इसका भाग। हम आई भी ऐसे टाइम पे रिटर्न के लिए जब उनके पास ज्यादा स्टॉक था ही नहीं, तो हमने अभी कुछ भी लेना जरूरी नहीं समझा, दोबारा रिपेयर करा लेंगे इसको। ठीक है, बहुत लेट भी हो गया, लेट भी ज्यादा हो रहा है, अभी जाना है, पैकिंग भी करनी है, व्लॉग भी एडिट करना है, तभी तो आप लोग टाइम पर देख पाओगे। इसी के साथ नीतू रोने लगी, क्योंकि कल दोबारा हमें अर्जेंट सुबह जाना पड़ रहा है किसी काम से, और ये गुची को सोच सोच के रो रही है, क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं लगता वो ना उधर। अगर नीतू उठ के भी जाती है ना बेड से, तो एकदम घबरा जाता है। नीतू होगा यार, अब क्या करें यार, पता मतलब क्या हुआ, चल रहे। लेकिन नीतू ऐसे रोने से क्या हो गया पता, कल की बात है, कल शाम तक वापस आते हो रहे हैं यार, हम सोच रुक भी नहीं रहे, हम जा रहे हैं, तेरा शूट खत्म करके दोबारा वापस भी आ रहे हैं। अब तो खुश हो जा, फिलहाल तो उसके पास ही जा रही है भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। गुच्चू आ गई, और अरे गुची, हाँ चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, ले भाई खिला ले अपने गुची को। गुची तेरी वजह से रो रही थी ये, गुच्चू ये रो रही थी, है ले अब रोएगी, मुझे प्यार कर दे, काट रहा है मुझे भी। गुच्चू ये लो, ये लो, ये गुच्ची को ट्रीट। ये तो बैग लगा ले जल्दी से अपना। हाँ, बैग हो गया मेरा पैक, बिल्कुल ट्रिप रेडी। दोस्त भूल जाते हो यार, बाल तो दिखाओ एक बार, सब लोग मिस कर रहे हैं यार, तो ये पसीना से बुरा पसीना से क्यों, एसी के सामने खड़े हो अब, क्या एसी के ऊपर बैठ जाओ, कौन से है यार, गुस्सा हो जाते हो यार। मैं आई हूँ सोनी दीदी के पास बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे कपड़े लेने हैं सोनी दीदी से, मेरे पास भी है मगर मैं सोनी दीदी से ले रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा रखने के लिए, इसलिए चलो दीदी निकालो। सारे मीडियम साइज है, मेरा कोई साइज ही नहीं है। मैं तो शॉपिंग भी करके नहीं आई, मुझे लगा सोनी दीदी के पास मुझे मिल जाएगा, और सोनी दीदी के पास तो कुछ भी नहीं है। मैं डांस करने वाली थी, डांस करके दिखा दो चलो थोड़ा सा, देख रहे हो ये क्या था, जल्दी देखो यार प्लीज। सोनी दीदी आपके लिए आज कल जो रिश्ते आए हैं, क्या बोलना चाहोगे उनको, प्लीज क्या बोलो, क्या बोलना चाहोगे?
लखन को भी पैकिंग करनी पड़ी है क्योंकि कुछ पता नहीं है, अगर शूट में लेट हो जाता है तो फिर रुकना भी पड़ सकता है क्योंकि यार किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए लखन ने भी कपड़े ले लिए अपने और मैंने तो एक्स्ट्रा रख ही लिए। कर ली पैकिंग तुमने? यही पहन के जाओगे सुबह? अरे यार ये शूज पहन लिए, ये पहन के जाने क्योंकि सुबह पहन के जाने। इसलिए ये शूज कैसे लग रहे हैं लखन के? अच्छे लग रहे हैं ना? बताओ। बहुत बोरिंग इंसान है ये, बहुत बोरिंग, इसलिए मैं इनके पहनना पसंद नहीं करती। सोती रहती है, मैं सुस्त रहती है। ओके बाय, कल शाम को मिलेंगे अगर मैं आ गई तो, वरना परसों मिलेंगे। ओके बाय सोनी, बाय सोनी दीदी, बाय तो बोल दो। यहाँ पर हम बिल्कुल रेडी हैं, अभी हम जा नहीं रहे गाइस, जस्ट हमने पैकिंग कर ली है, कुछ मैंने कपड़े ले लिए हैं, कुछ मुझे अपने घर से लेने हैं और हम निकलेंगे सुबह 4:30। और 4 चार भी निकलने का ट्राई करियो। ओके गुची, कल हम सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जा रहे हैं। ओके हम तो आ जाएंगे शाम को वापस, इसको पता चल गया हम कहीं जाने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारी 900K की फैमिली हो चुकी है और हम बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और आई नो आप लोग भी हैप्पी होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कर देना। ओके गाइज मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, सी यू, बाय बाय।